प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बागेश्वरी राग की छोटे ख्याल की बंदिश और उसमें आलाप करने का तरीका बताया है। आलाप के लिए मैंने आपको बताया था, जो मैंने स्वर विस्तार का, जो राग का, राग के स्वरों का जो एक गणितीय कौशल के हिसाब से उसमें विस्तार किया जाता है, उसी को आधार बना करके हमने आलाप गाए थे और आप लोगों ने सुने। अब जो हमने अलंकार आपको दिए थे, पांच अलंकार दिए थे, उन पांच ही अलंकारों से हम कितनी तरह की ताने बना सकते हैं? बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत सारी बना सकते हैं, अंतहीन ताने बना सकते हैं, लेकिन कुछ, जैसे मैं आपको एक सपाट के अंग में इस तरह से जो जो अलंकार है हमारे, उनसे किस तरह से तान बनती है। अच्छा, तानों तान बनाने में एक बात का और ध्यान रखना पड़ता है, बंदिश का मुखड़ा कितनी मात्रा का है, बंदिश की लय कैसी है, वो सब चीज़ें भी हमें उसी हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। बागेश्वरी राग की जो बंदिश है गुंदलावरी मालनिया, इस बंदिश में पाँच मात्रा का मुखड़ा है। ये पाँच मात्रा का मुखड़ा जो बनने के बाद 11 मात्रा बचती है, तो या तो हम 11 मात्रा की तान गाएं, लेकिन 11 मात्रा का सिस्टम बैठाना मुश्किल है, इसलिए या तो चार चार मात्रा के खंड में ही हम ताने गाते हैं। मैं आपको आज बताता हूँ किस तरह से ये ताने हम पिया को मनाऊं गाऊं मंगल चर बधाऊं नित उठ करूं काज गोंदला भोरी मालनिया गोंदला भोरी जगा मदनी सानी दम मगरे सगुंदला भोरी माँ जगा मदनी सानी दम मगरे सा। ये सात मात्रा की तान मैंने आपको इसमें बताई, क्योंकि पांच मात्रा का मुखड़ा, सात पाँच बारह, बारह चार सोलह, तो हमको चार चार मात्रा के खंड के हिसाब से उसका वजन सेट करना होगा। अब इसी तरह की सात मात्रा की ताने हम कितनी कर सकते हैं इसी अलंकार में? हमने ये तार निषाद से गाई, दूसरी गद्दार से, फिर देवत से, फिर तार सप्तक के मध्यम से गाई। वैसे आप किसी भी स्वर से तान गा सकते हैं। 1 2 3 4 निसा गा मा ध नि सा नि ध म म ग रे सा गूंद ला भोरी मा गा मा ध नि सा ग रे सा नि ध म ग रे सा गूंद ला भोरी मा धनि सा गा मा ग रे सा नि ध म ग रे सा गूंद ला भोरी मा मग मग रे सा नि ध मग मग रे सा गूंद ला भोरी मा। और भी कितने तरह के पैटर्न बना सकते हैं,
दूसरा अलंकार हमारा निशा का सागमा गमा था, उसमें सात मात्रा की ताने कैसे बनेगी? गूंदला भोरी निशा का सागमा गामा धामा गरे सा गूंदला भोरी मा गामा धामा धनी धनी सानी धामा गरे गूंदला भोरी धनी सा निशा का सागमा गरे सानी धामा गरे सा गूंदला भोरी मा। ये थोड़ा सा अपने को अभ्यास करना पड़ेगा। निशा का सागा मगा माधा माधा निधा निशा निशा का सागा मगा मगा रे सा निधा मगा मगा रे सा निशा का माधा निशा निधा मा मगा रे सा निशा गूंदला भोरी मा। तीसरा अलंकार है गूंदला भोरी निशा का मा सागा माधा निधा मगा रे सा गूंदला भोरी मा गामा धनी मधनी सा नी द मगरे सा गूंदला भोरी मग मगरे सा नी द मगरे सा गूंदला भोरी मा निशा गामा सागा माधा गामा धनी मधनी सा धनी सा ग निशा गामा मगरे सा नी द मगरे सा गूंदला भोरी मा। अगर हमको हमसे भी हम तान बना सकते हैं तो आपको ज्यादा गाना पड़ेगा। गूंदला भोरी निशा का सागा मा गामा धा माधा नी धनी सा नी धा मा गरे सा गूंदला भोरी। आरोह में हम अलंकारिक लेते हैं, अवरोह में सीधा। निशा का सागा मा गामा धा माधा नी धनी सा नी धा मा गरे सा गूंदला भोरी निशा गामा सागा माधा गामा धनी सा नी धा मा मा गरे सा गूंदला भोरी गामा धनी माधनी सा गरे सा नी धा मा गरे सा सा गूंदला भोरी मा। इससे बड़ी तान बनानी है अपने को तो हम चौथे अलंकार का प्रयोग करेंगे। गूंदला भोरी मालनिया निशा करे सा निशा गामा करे सा निशा गामा धामा करे सा निशा गामा धनी धामा करे सा निशा गामा धनी सा नी धामा करे सा निशा गामा धनी सा करे सा नी धामा करे सा गूंदला भोरी मा। फिर गूंदला भोरी मालनिया निशा करे सा निशा गामा करे सा निशा गामा धामा करे सा निशा गामा धनी धामा करे सा निशा गामा धनी सा नी धामा करे सा निशा गामा धनी सा करे सा नी धामा करे सा गूंदला भोरी मा। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बार बार जब हम इन तानों को अभ्यास करेंगे तो आपकी मात्राएं भी सेट हो जाएगी। ये हमने सारी आरोह और आत्मक, अब आप और भी प्रकार बना सकते हो तानों में। मालनिया गूंदला भोरी मा गगरे धनी नी धामा गगरे धनी नी धामा मा गगरे धनी सा गामा धनी सा धनी धामा गामा मा गगरे धनी सा धनी सा गूंदला भोरी मा। इसी प्रकार जब हम अंतरा गाएंगे तो यही सप्ताने जो अभी मध्य सप्तक के षड्ज पर ख़त्म होती है वो तार सप्तक के षड्ज पर ख़त्म होने लग जाएगी। लेकिन अंतरे का, चूंकि अंतरे की उठान अलग है, अंतरे का मुखड़ा अलग है, अंतरे अंतरा हम सम से लग एक ही मात्रा का मुखड़ा है तो अंतरे की ताने कहाँ से जाएगी ये थोड़ा देखना पड़ेगा। गूंदला भोरी मालनिया गूंदला भोरी लगन मोरी लग रही लगन मोरी सानी धाम मगरे सानी सागा मदनी सा लगन। तार सप्तक के साथ से जाकर के तार सप्तक के साथ ही खत्म करना।
खाली से लगन मोरी सानी दा मामा गरे सानी सा गा मा धा नी सा लगन मोरी गरे सानी दा मा गा मा धा नी सा लगन मोरी गरे सानी दा मामा गरे सानी सा गा मा धा नी सा लगन मोरी गरे सानी दा मा गरे सा गा मा धा नी सा लगन मोरी मगरे धनी ल मगरे सनी सा गा मा धनी लगन मोरी धनी सा मा धनी गा मा धनी सा लगन मोरी धनी सा मा धनी गा मा धनी सा लगन मोरी मदनी सा गा मा धनी सा गा मा धनी सा लगन मोरी धनी ध सा मद मनी ग म ग ध सा ग सा म म ग रे सा नि सा ग म धनी सा धनी सा लगन मोरी लाग रही सानी धनी सानी ध म धनी सानी ध म ग म धनी सानी ध म म ग रे सानी सा ग म धनी सानी ध म म ग रे सानी धनी सानी ग धनी सा लगन मोरी लाग रही लगन मोरी मग मग रे धनी सा धनी सा धनी सा धनी लगन मग मग रे धनी सा धनी सा ग म धनी सा लगन मोरी सगा मगरे धनी ध मगरे धनी सगा मा धनी सगा मा धनी सगा मा धनी सा लगन मोरी लाग रही सजनी रजनी उन बिन कैसे कटे अब घरी घरी पल पल छिन छिन निशानीन धरूं ध्यान गोंदला भोरी मालनिया गोंदला भोरी माँ गोंदला भोरी माँ गोंदला भोरी मालनिया। ये आपके राग बागेश्वरी का जो छोटे ख्याल की बंदिश है उसमें मैंने आपको तान बनाने का प्रकार पैटर्न तरीके बताए। आप सब लोग इसका अभ्यास करिए।